हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कंगना रनौत की मूवी धाकड़ को। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मूवी की स्टोरी को। मूवी के स्टार्टिंग सीन में कंगना रनौत यानी कि अग्नि को दिखाया जाता है, जिसको उसके हेड की ओर से एक असाइनमेंट मिलता है। तो अग्नि अपने साथी के साथ एक बिल्डिंग में जाती है। अग्नि वहाँ उन गुंडों को अच्छे से धोती है। इस मिशन में अग्नि का साथी वहाँ मारा जाता है। तो अग्नि आगे बढ़ती है और जाकर वहाँ से पेन ड्राइव हासिल कर लेती है, जिसमें कोई खुफिया जानकारी होती है, और वहाँ फंसे हुए लड़कियों को भी छुड़ा लेती है। नेक्स्ट सीन में अग्नि अपने बॉस से मिलती है, जहाँ उसका बॉस उसे मिली हुई जानकारी के बारे में बताता है, जिसमें रुद्रवीर और रोहिणी के बारे में जानकारी होती है। ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस करते हैं। तो अग्नि को उसका बॉस वापस इंडिया भेजता है, जिस पर अग्नि इंडिया वापस नहीं जाना चाह रही होती है, क्योंकि इंडिया से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी होती है, जहाँ उसके पिता का हत्या हुआ होता है और उसके पिता की मौत के बाद उसका बॉस ही उसे पाला होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एजेंट अग्नि वापस इंडिया भोपाल पहुंचती है, जहां उसका मुलाकात एक एजेंट हसन से होता है, जिसकी एक बेटी भी होती है। फिर एजेंट हसन रुद्रवीर और रोहिणी के बारे में जानकारी अग्नि को देता है कि रुद्रवीर पहले कोयले की खान में काम करता था, जिसका मुलाकात रोहिणी से होता है। रोहिणी पैसों के मामले में काफ़ी तेज होती है, इस कारण रुद्रवीर रोहिणी को अपने साथ रख लेता है और दोनों मिलकर धीरे धीरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, जो वक्त के साथ काफ़ी फैल चुका है। तो अग्नि रुद्रवीर का पता लगाने की वह कहाँ छुपा हुआ है, इसकी शुरुआत रोहिणी के बॉडीगार्ड से करते हैं, जो बहुत बड़ा सट्टेबाज व नशेड़ी होता है। एजेंट अग्नि रोहिणी के बॉडीगार्ड के पास एक रिपोर्टर बन के जाती है, जहाँ वह उसके फ़ोन से जानकारियाँ निकाल लेती है। फिर अगले सीन में कमांड सेंटर को दिखाते हैं, जिसमें वे लोग अग्नि के द्वारा ली हुई इन्फॉर्मेशन को देखते रहते हैं, जिसमें पता चलता है कि एक फेमस डिज़ाइनर रोहिणी से मिलने जाने वाली है। तो अग्नि उस डिज़ाइनर का भेष बदलकर रोहिणी के पास चली जाती है, जहां वहां एक गैजेट निकालती है जो ड्रैगन फाइट बन जाता है, जो बेसिकली एक कैमरा होता है, जिसको बाहर से हसन कंट्रोल कर रहा होता है और सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करते रहता है। तब तक अग्नि रोहिणी का नाप लेते रहती है, तो देखती है कि वह गैजेट काम नहीं कर रहा, जमीन पर गिरा हुआ है। तो वह उसे उठाकर वापस आ जाती है और हसन को इस गैजेट को ठीक करने बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में अग्नि हसन की बेटी के साथ खेल रही होती है। खेलने के बाद फिर अग्नि उस बच्ची को सुलाते रहती है, तो बच्ची के डिमांड करने पर उसे एक लोरी सुनाती है और उसे अपना ब्रेसलेट पहना देती है। दोनों का काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट डे अग्नि और हसन उस गैजेट में रिकॉर्ड हुए चीज़ों को देखते रहते हैं, जिसमें उनको पता चलता है कि रोहिणी एक बटर फैक्ट्री में जाने वाली है। तो अग्नि रोहिणी का डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस में कैमरा फिट कर देती है। रोहिणी उस ड्रेस को पहनकर बूडाफेस्ट के बटर फैक्ट्री में जाती है, जहां वहां शेख से मिलती है। इधर सब लोग ड्रेस में लगे हुए कैमरे से डायरेक्ट लाइव सब चीज़ देखते रहते हैं, जिसमें उनको पता चलता है कि वे लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं और अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। रोहिणी और शेख की बातें सुन अग्नि को अंदाज़ा हो जाता है कि रुद्रवीर खान में छुपा है। तो इस बात का अग्नि का बॉस उसे अच्छे से पता लगाने बोलता है कि यह बात सच है या नहीं। नेक्स्ट सीन में दूसरी पार्टी के लोग लड़कियों को किडनैप कर रहे होते हैं, जो रोहिणी को सप्लाई करने वाले होते हैं। फिर हम देखते हैं कि अग्नि उन लड़कियों के साथ रोहिणी के अड्डे में चली गई है, जहाँ वह उस खान में रुद्रवीर को ढूंढते हुए सभी तरफ तलाश करने लगती है। आगे जाने पर उसे रुद्रवीर दिख जाता है, जो रोहिणी से बातें करते रहता है। अग्नि को ऐसे छुप कर देखते हुए रोहिणी का बॉडीगार्ड देख लेता है, तो वह अग्नि पर अटैक कर देता है, जिस पर अग्नि उसको मार कर वापस उस खान से चली जाती है। इधर रोहिणी को पता चल जाता है कि एक लड़की गायब है, तो रोहिणी बाकी लड़कियों से पूछती है कि वह लड़की कौन थी, उसको यहाँ किसने भेजा था, और उन बाकी लड़कियों को बारी बारी से मारने लगते हैं। तो एक लड़की उन्हें हसन का नाम बता देती है। फिर नेक्स्ट डे रोहिणी के आदमी हसन और उसकी बेटी को खान में किडनैप कर ले आते हैं। रोहिणी उस हसन से पूछती है कि वह लड़की कौन थी जिसको तुमने भेजा था, जिस पर हसन उन लोगों को कुछ नहीं बताता, तो रोहिणी उसे जान से मार देती है। नेक्स्ट सीन में अग्नि अपने बॉस से मिलने जाती है, जहां वह रुद्रवीर को खान में होने की बात बताती है, जिस पर उसका बॉस उस खान में अटैक करने के लिए एक स्पेशल फोर्स तैयार करता है, जिसका लीड अग्नि करने वाली होती है। नेक्स्ट सीन में रुद्रवीर को दिखाया जाता है, जो अपने साथियों को जंग के लिए तैयार कर रहा होता है। उसे मालूम चल चुका होता है कि उन पर अटैक होने वाला है, तो वे लोग उस खान में आग लगा देते हैं और साथ साथ वहाँ बॉम्ब भी लगा देते हैं। अग्नि इधर गन से लैस होकर अपनी स्पेशल फोर्स के साथ उस खान में रुद्रवीर को पकड़ने जाती है। जहां वे खान में पहुंचते हैं, तो उनके गाड़ी में ब्लास्ट होता है। अग्नि और उसके साथी उस गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और फिर रुद्रवीर के साथी उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं,
यह देख अग्नि को उसके बॉस मिशन को अबॉर्ट करने के लिए कहता है, लेकिन अग्नि आगे बढ़ती है और उनसे लड़ने लगती है। और इधर अग्नि के बॉस के कमांड सेंटर में भी अटैक हो जाता है, जिसमें उसका बॉस वहां से बचकर निकल जाता है। इस मिशन में अग्नि के काफ़ी साथी मारे जाते हैं। फिर अग्नि और रुद्रवीर के एक साथी का हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, जिसमें अग्नि उसका एक आँख फोड़ देती है और फिर अग्नि उससे हार जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ रुद्रवीर आता है और उसको मारने से पहले एक लोरी सुनाता है। यह लोरी सुन अग्नि को पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब उसके पिता का मर्डर हुआ होता है। उसके पिता को जिसने मारा था वह यही लोरी गाते रहता है, जिसको सुन अग्नि को याद आ जाता है कि रुद्रवीर ही उसके पिता को मारा होता है। और फिर रुद्रवीर अग्नि के सीने में गोली मार देता है। नेक्स्ट डे अग्नि व उसके साथियों के बॉडीज को ले जाने के लिए आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि अग्नि अभी भी जिंदा है। तो अग्नि को उसका बॉस एक सीक्रेट जगह पे रखता है, जहाँ अग्नि रिकवर होती है और रुद्रवीर से बदला लेने के लिए फिर से ट्रेन होती है। और इधर दिखाया जाता है कि रुद्रवीर रोनी के कहने पर इंडिया से बाहर यूरोप चला जाता है। अग्नि को उसका बॉस बताता है कि हसन को रोनी मार दी है और उसकी बेटी जायरा को वे लोग कहीं ले गए हैं। अग्नि जायरा को ढूंढने के लिए रोनी के अड्डे में जाती है, जहाँ वह उसके साथियों को मारकर रोनी के पास पहुँच जाती है। अग्नि के काफ़ी पूछने के बाद भी रोनी उसको कुछ नहीं बताती, तो अग्नि उसको शूट कर देती है। और इधर जायरा को दिखाते हैं जो वही लोरी गाते रहती है जो अग्नि ने सुनाया था, जिसको सुनकर रुद्रवीर शॉक हो जाता है और जायरा से पूछता है कि यह लोरी तुमने कहाँ सुनी। जिसके बाद रोनी के फ़ोन पर रुद्रवीर का कॉल आता है, जिसको अग्नि रिसीव करती है और वही लोरी गाने लगती है, जिसको सुन वह समझ जाता है कि वह वही बच्ची है जिसको वह पहले ना मार कर उसे छोड़ दिया था। और रुद्रवीर जायरा की आवाज़ अग्नि को सुनाता है, जिससे उसको कंफर्म हो जाता है कि जायरा रुद्रवीर के पास है। फिर हम आगे देखते हैं कि अग्नि अपने बॉस से मिलने गई होती है, जिसमें उसका बॉस उसे बताता है कि रुद्रवीर यूरोप में कहीं छुपा है और उसे पासपोर्ट दे देता है और कहता है कि इस मिशन में अब वह उसे वहाँ सपोर्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में अग्नि को यूरोप में दिखाया जाता है, जहां वह एक एजेंट से मिलती है जो उसे शेख के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद अग्नि एक पार्टी में जाती है जहां शेख होता है। फिर अग्नि शेख को सेड्यूस करते हुए उसके ड्रिंक में नशीली चीज़ मिलाकर उसे पिलाते रहती है, लेकिन वह नहीं पीता। शेख अग्नि को ही वह ड्रिंक पिलाते रहता है, जिस पर अग्नि नहीं पीती तो वह अग्नि को मारकर बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में अग्नि को जब होश आता है तो वह अपने आप को बंधा हुआ पाती है। वह शेख से रुद्रवीर का पता पूछती है, तो शेख के साथ ही अग्नि को पीटने लगते हैं, तो वह उनसे बचकर उन्हें बांध देती है और शेख पर गन पॉइंट कर उसको फिर से रुद्रवीर का पता पूछती है, जिस पर वह बताता है कि उसको रुद्रवीर का पता नहीं मालूम, पर रुद्रवीर तुमको ढूंढ लेगा, उसकी हमेशा तुम पर नज़र है। इतने में अग्नि शेख को शूट कर देती है। अग्नि बहुत परेशान रहती है कि जायरा कैसी होगी, उसको रुद्रवीर का पता नहीं चलते रहता है। और इधर रुद्रवीर को दिखाया जाता है जो अग्नि के लिए एक जाल बिछाता है। वह जायरा को हेडफोन देकर उसे अग्नि के पास भेजता है। जैसे ही अग्नि जायरा को देखती है, वह जायरा को भागने को कहता है और इंस्ट्रक्शन देते हुए उसे वापस वहीं बुला लेता है। अग्नि जायरा के पीछे पीछे वहाँ आ जाती है, जिसको वहाँ जायरा नहीं मिलती। वहाँ पर रुद्रवीर होता है जो वहाँ उसका वेट करते रहता है। उनके बीच फाइट होने लगती है। अग्नि रुद्रवीर से पूछती है कि उसने उसके पिता को क्यों मारा, किसके कहने पर उसने उसके पिता को मारा, जिस पर रुद्रवीर उसको कुछ नहीं बताता और कहता है कि हम सब कठपुतलियाँ हैं, सबका डोर ऊपर वाले के हाथ में है। और अग्नि पर वह रॉड से अटैक करता है, जिस पर अग्नि अपने बचाव में रुद्रवीर को मार देती है, जिससे यह राज यहीं पर दफन हो जाता है। अगले सीन में हम अग्नि को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। वहाँ जायरा भी होती है, जिससे हमको पता चल जाता है कि जायरा मिल चुकी है। फिर वहाँ उसका बॉस आता है और अग्नि से बातें करते रहता है और वही डायलॉग कहता है, सबका डोर ऊपर वाले के हाथ में है, और वह वहाँ से चला जाता है। फिर अग्नि को पता चल जाता है कि उसका बॉस ही है जिसके कहने पर रुद्रवीर ने उसके पिता को मारा। कुछ दिनों बाद वह वापस इंडिया अपने बॉस के घर जाती है, जहाँ वह उससे पूछती है कि उसने उसके पिता को क्यों मारा। तो वह अग्नि को बताता है कि पहले उसके पिता वही उसी की एजेंसी में काम करता था, उसको इस एजेंसी की बहुत सारी खुफिया बातें पता थी। वह तुम्हारे थोड़े बड़े होने पर उस एजेंसी को छोड़ना चाहता था, जिस पर उसको डर था कि कहीं उसके पिता एजेंसी को छोड़ने के बाद किसी डर या लालच के कारण वह सारी जानकारियाँ को किसी के पास उगल ना दे, जिसके कारण वह रुद्रवीर के हाथों उसको मरवा दिया। अग्नि यहाँ सुनते ही अपने बॉस को शूट कर लेती है और जायरा के पास वापस चली जाती है, और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।